आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। अरिवा एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के स्थानांतरण के बाद नवागत एसपी अनिल सोनकर ने रीवा जिले में आज पदभार ग्रहण कर लिया है। चुनाव के समय से पदभार ग्रहण करने के बाद थाना प्रभारियों सहित कार्यालय कर्मचारियों से कानून व्यवस्था के संबंध में नवागत एएसपी ने जानकारी जुटाई है। आपको बता दें कि एएसपी अनिल सोनकर तकरीबन 20 वर्ष पूर्व रीवा जिले के चुराटा व हनुमना थाने में बतौर थाना प्रभारी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिसके बाद वह भोपाल सतना आरटीओ विभाग में भी सेवा देने के बाद बालाघाट डीएसपी रह चुके हैं। जीआरपी के बाद सिंगरौली सीएसपी रहे और एक बार फिर अब रीवा जिले में एएसपी पद की कमान संभाली है। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं नवागत एएसपी सोनकर। पदभार ग्रहण किया गया है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? अपराध की रोकथाम करना जो पुलिस का काम है, कानून व्यवस्था बनाए रखना, उसके लिए जो आवश्यक है विधि अनुकूल वो सारी कार्रवाइयाँ करने की प्राथमिकता रहेगी। नशा बढ़ रहा है रीवा और लगातार अपराध भी अभी हाल ही में बढ़ते गए, इसको कैसे रोकेंगे? क्या अभी तो मैं आया हूँ, अध्ययन करूँगा कौन से अपराध हैं और उसमें किस तरह रोके जा सकते हैं, इसमें कार्य योजना बनेगी और पूरी पुलिस का एक टीम वर्क होता है, काम पूरी टीम के साथ नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे अपने पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर। चुनाव में पहले से यहाँ काम चल रहा है, अभी मैं चुनाव सेल में बैठा था, पूरी तैयारी है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय की, उनकी टीम पूरी लगी हुई है इसमें और हम बेहतर चुनाव कराएंगे, उसमें अच्छी व्यवस्था देंगे। मतलब चौकसी बढ़ाई गई, बड़े इलाकों से अपराधी तत्व आ रहे हैं और शराबी पैकाने की नजर में आ रही, अभी संवाद भी हुआ है बॉर्डर के पास एसपी साहब का, तो वहाँ क्या रोकथाम कर पाएंगे? जितने भी इंटर स्टेट हैं उनमें नाके लगाए गए हैं, फोर्स लगा हुआ है और जो हमारे सरहदी जिला और राज्य हैं इनकी पुलिसों से बात भी हुई है, जो इंटर स्टेट नाके हैं उसमें जो बॉर्डर की पुलिस है वो भी कार्रवाई कर रही है, हमने अपराधियों को और इस तरह के धंधे में लगे लोगों के को चिन्हित किया है, उनकी जानकारी जो है आदान प्रदान की गई है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं।